राजकोट वनडे में केएल राहुल ने डाउन द ऑर्डर आकर तूफानी बल्लेबाजी की और भारत का स्कोर 304 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन अपनी इस तूफानी पारी से राहुल ने एक तीर से दो शिकार कर डाले। पहला ये कि उन्होंने ऋषभ पंत की जगह खतरे में डाल दी और अब हो सकता है कि आने वाले मैचों में केएल राहुल ही विकेट कीपिंग करेंगे और उनकी जगह पर बल्लेबाजी करेंगे। ऐसे करके टीम इंडिया में एक बल्लेबाज या फिर ऑलराउंडर की जगह बन सकती है और चोट से जूझ रहे पंत के लिए टीम इंडिया में एंट्री अब मुश्किल हो गई है। इस मैच में कोहली ने केएल राहुल का डिमोशन कर दिया। वहीं मुंबई में पाँचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे श्रेयस अय्यर वापस चौथे नंबर पर खेलने आए। इन सब बदलावों में केएल राहुल के बल्लेबाजी क्रम पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा, जिन्हें पारी को संवारने के बजाय फिनिशर की भूमिका निभानी पड़ी। मगर बल्लेबाजी क्रम में नीचे धकेले जाने का राहुल ने अपनी बेहतरीन पारी से करारा जवाब दिया। बल्लेबाजी क्रम में हुए डिमोशन का केएल राहुल ने जोरदार जवाब दिया। पाँचवें नंबर पर उतरने के बाद राहुल ने 52 गेंदों पर 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 बेहतरीन छक्के भी लगाए। राहुल की पारी इस लिहाज से भी टीम इंडिया के लिए बेहद अहम रही, क्योंकि उसी की वजह से भारतीय टीम 340 रन के मजबूत स्कोर तक पहुँचने में सफल रही। केएल राहुल के करियर का ये 28वां वनडे है। इनमें महज दूसरा ही मौका है जब राहुल 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। इससे पहले साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में उन्होंने 5वें नंबर पर बल्लेबाजी की थी, तब भारतीय टीम के इस बल्लेबाज ने 7 रन बनाए थे। राजकोट वनडे से पहले राहुल ने 27 वनडे खेले थे। इनमें उन्होंने 3 शतक और 5 अर्धशतकों की बदौलत 42.54 की औसत से 936 रन बनाए थे। इनमें सर्वाधिक स्कोर 111 रन है।